2017 एक ग्रुप चैनल आइडियाज को छोटे छोटे मूवीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सीखना स्टार्ट किया था। 2022 में तुम अपने स्क्रीन्स पे जो देखते हो वो मेरे वीडियोस नहीं, कुछ एक्सपीरियंसेस है बस। इसीलिए इट्स नॉट अ ट्यूटोरियल बट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मैं कोई एडिटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम ए फिल्म मेकर स्लैश क्रिएटर जो अपने कमाल के आइडियाज को एक डिजिटल रूप देता है बस। एंड एडिटिंग इज जस्ट कटिंग एंड टेपिंग दोस आइडियाज टुगेदर, और कुछ नहीं। इसे हम भूल जाते हैं और कट करके बिठा के एक स्ट्रक्चर बनाने वाली पार्ट में हम बहुत रश कर देते हैं। ये मेन प्रायोरिटी होना चाहिए हर वीडियो का, हर स्टोरी का ना एक फ्लो होना चाहिए जिसमें गैप्स आते हैं, पॉजेस आता है, जिसे ब्रीदिंग स्पेस बोलते हैं। हॉलीवुड एडिटर्स का ना मेन फंडा यही होता है कि दे नो वेयर टू कट इट, क्योंकि उसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर से एक एडिट का लेवल इंक्रीज होता है। कभी कभी हॉलीवुड ऑस्कर विनिंग एडिटर्स का इंटरव्यू सुन के देखना, कटिंग पार्ट में ना ऑब्जर्वेशन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो कि गैप्स और पॉजेस को रखना है तो कितने देर तक रखना है। ये वीडियोज है बट इट्स अ मूवी राइट, नॉट अ इंस्टाग्राम रील, अनलेस इट इज। स्टार्ट स्लो एंड स्लो, जितना बेसिक ये सुनने में लग रहा है उतना ही बेसिक है। मूवी हो या वीडियो हो या अंधेरे में कार्डियो हो, प्रोसेस को स्लो स्टार्ट करो। स्टोरीज या वीडियोस की बात नहीं कर रहा, एडिट करने की प्रोसेस को स्लो करो, स्पेशली स्टार्टिंग और एंडिंग में। क्यों? स्टार्टिंग में अगर कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट करोगे जो एडिटिंग प्रोसेस को करेक्टली एक फ्लो में लाएगा, बट एंड के लिए उस फ्लो को ब्रेक करो। जो भी कर रहे हो एंडिंग में उसको थोड़ा टाइम लेके एडिट करो। एंडिंग के टाइम जो डिसीजंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो तुमने ऑलरेडी एडिट कर लिया, यू नो व्हाट हैपेंड। एडिटिंग एंड करने की प्रोसेस को अगर स्लो करोगे तो पूरा वीडियो रैप अप करने का जो लास्ट एंड मेजर डिसीजंस होते हैं ना, यू विल टेक लेस बैड decisions. डिसीशन और मैथ्स को दूर रखो। कोई भी एडिटिंग एप्स यूज कर लो, उस पर चारों ओर numbers ही numbers, जिसका सॉलिड reasons भी है, मैथमेटिकल reasons, कितने पॉइंट तक जाना चाहिए, कितने स्टॉप तक रुकना चाहिए, ये सब ठीक है। अगर 8-bit शूट कर रहे हो ना और अगर नियर परफेक्ट एक्सपोजर नहीं रहा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रूल्स है ना ये काम नहीं करेंगे। अगर काम अपने लिए कर रहे हो ना तो कोई भी डिसीशन लेने से पहले इन तीनों को प्रायोरिटी दो, चीजें फ्रस्ट्रेटिंग कम हो जाएगा। सब पॉइंट रॉ से स्टार्ट करके धीरे धीरे पानी डालो, मतलब कोई भी स्लाइडर्स लेके इधर उधर कर रहे हो, कोई भी पॉइंटर्स हो, स्लाइडर्स हो, कर्व्स हो, कुछ भी, पहले अपने आंखों के हिसाब से एक्सट्रीम जाओ, फिर धीरे धीरे उसको कम करो। इसकी साइकोलॉजी जानने से पहले ये तो जानते ही हो ना कि एमेचर लुकिंग वीडियोस का सबसे बड़ा पार्ट होता है सब कुछ ज्यादा ज्यादा। अपने आंखों के हिसाब से अगर हाई पॉइंट से थोड़ा थोड़ा कम करते रहोगे जब तक तुम सेटिस्फाई होगे तब तक वो एमेचर वाइब वीडियो से गायब, क्योंकि थोड़ा कम काम नहीं बिगड़ता। सेम हुई तवा कान जो ऑडियो लेवल्स को ना ऐसे समझ जाते हैं, नेताओं की बात अलग है बट एक ही वीडियो में लेवल्स, ऑडियो लेवल्स अगर बहुत ऊपर नीचे कर रहा है तो हर एक रिकॉर्डेड डाउनलोडेड म्यूजिक से ऑडियोस का ना बिटरेट्स के हिसाब से उनका लेवल्स बहुत अलग होता है। कुछ ना करके अगर टाइमलाइन पे ही जस्ट रखोगे तो भी उसका लेवल बहुत ऊपर नीचे होता है, विच इज वेरी अनप्रोफेशनल। इसीलिए हर एप्लीकेशन में ऐसा वाला एक गाइड होता है जिसमें तुम देख सकते हो कि तुम्हारा ऑडियो लेवल कितना है। हर एक ऑडियो लेवल इस जगह पे आना चाहिए। कुछ सॉन्ग्स का हाई जितना ज्यादा होता है कि उन्हें लेवल्स पे लाने के लिए अगर तुम कम करोगे वॉल्यूम तो सॉन्ग का टोटल भी कम हो जाता है। लो पास फिल्टर यूज करके देख सकते हो फॉर हाईज को कम करने के लिए। अब सबसे मजेदार और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे होल एक्सपीरियंस का, बट ऊपर आया था मेरा इंटरेस्ट एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग का नाम सुन के। बहुत तरह का टूल्स, टेक्निक, स्टाइल्स, छपड़ ओपिनियंस आते हैं इसमें। जो भी कर रहे हो मेन एडिटिंग से ब्रेक लेके करो। इफ यू आर टाइम प्रिविलेज्ड एनफ एटलीस्ट कुछ घंटों का ब्रेक दो, और ब्रेक के टाइम नेचुरल चीजों को, नेचुरल कलर्स को देखो। काला, अंधेरा, डार्क टाइप की ग्रेडिंग या लुक एंड फील पसंद है तो उसे ग्रेडिंग करने के बाद चेक करो नॉर्मल नेचुरल लाइट या रूम लाइट को ऑन करके, लो लाइट में नहीं। लो लाइट में तुम ग्रेडिंग कर सकते हो बट उसे चेक करना नेचुरल लाइट पे या फिर नॉर्मल रूम लाइट में, क्योंकि सारे लोग तुम्हारे वीडियोस करके नहीं देखेंगे। इसीलिए लाइट्स ऑन करके चेक कर लेना लास्ट में, जिस वर्ड से मैं बहुत शातिर वे में कनेक्ट करूंगा एक सब पॉइंट को, एक्चुअल ग्रेड को ऐड करना लास्ट में। अगर प्रीमियर प्रो या रिजॉल्व जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या तो नोड्स या तो लुमेट्री कलर्स पे करोगे तुम सारे ग्रेडिंग या करेक्शंस। अगर मेन ग्रेडिंग जिसपे तुम शेडो, मिड टोन, हाईलाइट जो देते हो कलर्स, वो करने के बाद अगर गॉशियन ब्लर, मास्क ये सब यूज कर रहे हो ना तो एक्चुअल टोनिंग में प्रॉब्लम आता है। तो सारा चीज हो जाने के बाद शेडोज, मिड्स एंड हाईस पे कलर्स लास्ट में, ताकि सब टोन्स इवन। अब इस वीडियो का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड सबसे इंपॉर्टेंट वन, अगर सिर्फ सीवी में रैप करके बेचना नहीं है तो एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से सीखना स्टार्ट करो,
माहिर हो जाओ उस पे। अपने रिक्वायरमेंट्स को जानो पहले, बेस्ड ऑन दैट चूज वन सॉफ्टवेयर। अगर मोबाइल एप्स यूज कर रहे हो और अगर कंसंट्रेटेड सीरियस हो उसको लेके ऑब्वियसली, तो ट्राई टू अपग्रेड, प्लान टू अपग्रेड टू अ पीसी। तब तक एक सॉलिड ऐप को पूरा सीखो जो कोर एडिटिंग होता है, मेन कट्स, ऑडियो, वीडियो, कलर्स, इसको उस एप्लीकेशन में करना ठीक तरीके से सीखो, नॉट रिलाइंग ऑन द मैजिकल AI effects or something। फिर जब पीसी पे आओगे तो कुछ हार्ड या अधूरा नहीं लगेगा क्योंकि कोर एडिटिंग एक ही है। सेम थिंग विद effects, हजारों लाखों effects होता है जो ज्यादा से ज्यादा काम नहीं आएगा। ऑब्वियसली कुछ कोर चीजों को सीखने के बाद का जब प्रॉब्लम्स आएगा उसके सॉल्विंग effects को सीख लो, लेकिन वो ढकने वाले चीजों में ज्यादा फोकस मत करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट VFX। कोर एडिटिंग में सिंपल चीज कॉम्प्लेक्स होता है, इसके प्रोसेस को ही कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है क्योंकि बैड पोस्चर से 15 साल पहले मर थोड़ी जाओगे जाते जाते। बट ऑलवेज रिमेंबर, स्किल्स को ना टाइम दो। पहले पहले ऑब्जर्व या सिंक्रोनाइज होने में टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लास्ट वीडियो में कुछ लोग बोल रहे थे कि इस लेंस फिल्टर की जगह लेंस पे वेजलिन या फंगस से भी तो काम चल। बिल्कुल, लड़कियों के लिए बहुत सारे खिलौने मौजूद हैं ऑनलाइन, काम चलते हैं, पूछ लेना।